स्वागत है, मैं प्रिया आपके साथ। पश्चिम बंगाल के संदेश खाली केस की सीबीआई जांच के खिलाफ ममता सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को याचिका खारिज करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने महीनों से संदेश खाली मामले पर एक्शन नहीं लिया। कलकत्ता हाई कोर्ट ने 10 अप्रैल को खुद से संज्ञान लेते हुए संदेश खाली केस की जाँच सीबीआई को सौंपी थी। पश्चिम बंगाल सरकार ने इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई थी। इस पर 29 अप्रैल को भी सुनवाई हुई थी। उस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया था कि किसी निजी शख्स के हितों की रक्षा करने के लिए राज्य सरकार ने याचिका क्यों लगाई है। इसके बाद कोर्ट ने कहा था कि मामले को चुनाव के बाद जुलाई में सुनेंगे। आज जस्टिस बी आर गवई और जस्टिस के वी विश्वनाथन की बेंच के सामने पश्चिम बंगाल सरकार की तरफ से अभिषेक मनु सिंघवी पेश हुए। उन्होंने बताया कि 43 एफआईआर की जांच के लिए व्यापक निर्देश दिए गए हैं, जिनमें राशन घोटाला भी शामिल है। इस पर आज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संदेश खाली को लेकर महीनों तक राज्य सरकार ने कुछ नहीं किया। राज्य सरकार किसी एक शख्स को बचाने की कोशिश क्यों कर रही है? हम याचिका को खारिज करते हैं। संदेश खाली की महिलाओं ने टीएमसी नेताओं पर यौन उत्पीड़न और जमीन हड़पने का आरोप लगाया है। इस केस का मुख्य आरोपी शेख शाहजहां है। उसे बंगाल पुलिस ने 29 फरवरी को गिरफ्तार किया था। इसी के साथ बने रहिए एशिया न्यूज़ इंडिया के साथ। धन्यवाद।